दे से कराची इज़ अ सिटी दैट नेवर स्लीप्स. मैं सोचता था कि इस शहर की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा क्यों है. पॉपुलेशन बहुत बड़ा मसला है यार, कराची के नहीं पूरे मुल्क का ही मसला है. और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि, खैर एक ही वजह है कि हम वो बहुत करते हैं शादियाँ. बगैर किसी वजह की शादियाँ हो जाती हैं ना इस मुल्क में. बाहर मतलब आपने फिल्में देखी होंगी अंग्रेज़ी, वो बच्चा अपने पापा से पूछता है डैडी हाउ डिड यू मॉम, हाउ डिड यू मीट मॉम, एंड वो बताता है हम पार्टी में मिले और फिर हमने पार्टी की और फिर हम 2 साल इकट्ठे रहे, फिर मतलब बहुत सोच समझ के शादी करते हैं. एक हमारा मुल्क है, मेरे एक अंकल थे बड़े खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे वो. मैंने सोचा अंकल जी क्या सीन है, आंटी को जानते थे आप क्या? बोलते हाँ बेटा जी हम जानने वाले थे, मेरी अम्मी और इनकी अम्मी कपड़े सिलवाने एक ही दर्जी के पास जाती थी. शादी तो बनती थी मतलब अब यहाँ पे. तो ऐसे तो शादियाँ होती हैं हमारी तरफ. और शादियों पे भी ना जिसकी शादी हो रही है उसको लोग कॉम्प्लीमेंट ऐसे कर रहे थे, हाँ जी बेटा जी शादी हो गई, चलो यार बड़ी खुशी हुई यार, बड़ी चलो यार अल्लाह ने तुम्हारा घर भी आबाद कर दिया. मतलब मैं कोई सड़क पे पड़ा हूँ, अंकल जी मतलब आप अपनी शक्ल देखें, आपकी शादी हो सकती है तो मेरी में ऐसा कौन सा मौजा हो गया. शादी शादी करनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि मसला शादी में नहीं है, मसला रिश्तेदारों में है. क्योंकि अगर आपकी शादी के 5-6 महीने बाद इफ़ योर वाइफ इज़ नॉट प्रेगनेंट देन पीपल आर गोइंग टू कम अप विद स्टूपिड स्टफ लाइक, वो अंकल आ जाएंगे, हाँ जी बेटा जी चल रहे कैसा चल रहा है सब कुछ. चल रहे ना एंड दिस डजंट एंड हियर. मतलब दे नॉट ओनली वॉन्ट यू टू हैव अ चाइल्ड राइट आफ्टर द मैरिज, दे वॉन्ट यू टू कीप हैविंग बेबीज इन अ रेगुलर फैशन. कजन आ जाएंगे, ओ यार मुझे ना मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद है, मुझे छोटे बच्चे ना बहुत पसंद है, तेरा बेटा थोड़ा सा बड़ा हो गया, मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद है. जस्ट इमेजिन मतलब वो क्या कह रहे हैं कि डूड यू नीड टू हैव अ न्यू बेबी बिकॉज आई डोंट लाइक द ओल्ड वन एनीमोर. मैंने थिएटर खोला है ना, हर हफ्ते मैं नया प्ले चलाऊँ यहाँ पे. दादियाँ बड़ी अजीब होती हैं, इनके थोड़े सारे बच्चों से इनका दिल नहीं भरता. मतलब आए मेरे भतीजे के घर में 4 बच्चे हैं, कितना भरा भरा घर लगता है. मतलब दादी अम्मा आपके भतीजे की शादी को 10 साल हो गए, मेरी शादी को 4 महीने हुए हैं. मतलब बीवी है मेरी, कोई ATM मशीन तो नहीं है ना जितने दिल किया निकलवा लिए. मसला हमारे मुल्क में एक और ये भी है कि हम ना शादी से पहले अगर मतलब यार अभी 4 महीने हुए हैं बेचारे को, लेट देम हैव सम गुड टाइम. मैं पिछले 4 साल से जाऊँ की लेट नाइट ऑफर पे गुजारा कर रहे हैं वो. क्योंकि यही रिश्तेदार होते हैं, अगर शादी से पहले लड़के लड़की को इकट्ठा देख लेना इनको मसला हो जाता है. ठीक है आप इमेजिन करिए आप अपनी फियांसे के साथ बैठे हैं, एवं कोई फूफो टपक पड़ेंगे बीच में, क्या बातें हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं, आपको नहीं पता लड़का लड़की में आपस में क्या बातें होती हैं. As if you don't know, पेट्रोल की प्राइसेस गिर गई वो डिस्कस हो रहे हैं. क्या बातें हो रही हैं. अबे यार मतलब घर में बैठ के बातें कर रहे हैं तो करने तो जरूरी है, मजारे कह जाएं. बात हम पॉपुलेशन की कर रहे थे, मुझे याद आया कि एक पिछले दिनों ये पॉपुलेशन में ना सबसे बड़ा किरदार जो है वो गरीब लोगों का. गरीब मतलब अमाउंट ऑफ मनी यू हैव इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, दैट्स वॉट आई हैव नोटिस. एक दिन फकीर मांगने वाला आ गया, कह रहा भाई साहब मेरा मेरी मदद कर दो, भाई साहब मेरे 7 बच्चे हैं. मेरा क्या कसूर है, बंदा रीज़न देता है ना, मेरे गुर्दे फेल हो गए हैं, एक्सीडेंट हुआ, मेरी टांगें टूट गई हैं या बिनाई चली गई है, मेरे से बच्चे ज़्यादा पैदा हो गए, मेरी मदद करें. मतलब इंटरटेनमेंट तेरी हो रही है और टिकट के पैसे मैं दूँ.
सिग्नल तू तोड़े चलान मेरा हो जाए, कुंडे तू लगाए और बिजली का बिल मेरा ज्यादा है। तू फकीर है या सियासतदान है तू?